नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप लोगों के सामने माइनर पीस एंड गेम लेके आया हूँ। इसमें ब्लैक के पास नाइट और किंग है, वाइट के पास बिशप किंग डबल पॉन। इसमें सबको देख के ही लग रहा है कि वाइट जीत रहा है। मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर सोचिए और मेरे वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले ही आप ये बोर्ड पर रख के देखिए कि क्या वाइट जीत सकता है कि ब्लैक इसको ड्रॉ कर देगा, क्या संभावना है। क्योंकि माइनर पीस एंड गेम बहुत टिफिकल होता है और इतना आसानी से आप जीत नहीं सकते हैं, तो मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे जीतेंगे और किस तरह से आपको बढ़ाना है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बिशप जो है वो एक्टिव नहीं है, वो डेवलप नहीं है, उसको पहले डेवलप करना होगा, फिर उसको सही जगह पे रखना होगा। वो सही जगह कौन सा है और कहाँ पे है ये देखना है, ये सारी बातें हैं, तो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। और नाइट को भी दूर करना होगा और किंग को भी आपको ऐसा जगह फंसाना होगा कि जिससे कि वो आप गेम जीत सके। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मेरे स्ट्रेटजी और मेरे टेक्निक को समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहले हम B1 किए, तब नाइट और C6 किया, फिर हम C2 किए, फिर नाइट E5 किया, फिर हम D3 किए, फिर नाइट और D7 किया, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो इस तरफ रहे और मेरा प्लान ये है कि हम अपना बिशप डेवलप करें और पॉन भी, तो हम अपना पॉन को प्रमोट किए कि नाइट को बढ़ने नहीं देंगे, हम चाह रहे हैं कि फोर्स करें किंग को। फिर वो किया तो हम और फोर्स कर दिए कि वो पॉन आगे बढ़ जाए और क्वीन बना ले, तो वो रोकने के लिए आगे बढ़ा। फिर हम उसको C5 से चेक मारे, ये गुड मूव है, अगर ये मारेगा तो हम अपना क्वीन बना लेंगे और नाइट रोक नहीं पाएगा, उसको फोर्सली जाना पड़ा A7। देखिए, मेरा प्लान सक्सेस हो रहा है। यहाँ से हम हटाएं भी सबको इसीलिए क्योंकि मेरा ये पॉन मर जाएगा, तो फिर ड्रॉ होने का संभावना है क्योंकि नाइट पॉन को कैप्चर कर लेगा, तो इसीलिए वो किंग G6 गया अपना नाइट को डेवलप करने के लिए। अब हम अपना किंग को डेवलप करेंगे क्योंकि किंग बहुत दूर हो गया और हम अपना पॉन को भी प्रमोशन कर दिए और अब हम बिशप जो ख़राब पोजीशन पे था उसको भी अच्छा पोजीशन पर ले आएँ। फिर अपने किंग को हम E5 में लाएँ और डेवलप किए कि नाइट को वहाँ से भगाएँ, क्योंकि वो पॉन को बढ़ने नहीं दे रहा है। फिर हम किंग को और सामने लाएँ तो नाइट को C8 पे लाया, तब हम उसको वहाँ से भगाने के लिए बिशप D7 पे लाएँ, फिर नाइट A7 पे किया। यहाँ पे हम उसको फोर्स करेंगे कि वो हम किंग को पहले लाएं, फिर जब राजा को किंग A8 किया तो हम C7 पे ये करके उसको फोर्स किए कि वो बिशप चले। यहाँ पे बिशप चला तो हम बिशप से कैप्चर कर लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ब्लैक को मूव का रास्ता मिलना चाहिए नहीं तो स्टिलमेट हो जाएगा। इसीलिए वो किंग A7 को चले, फिर C7 चले, फिर वहाँ पे उसको मौका दिए किंग E8 चलने का। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे किंग D8, तो यहाँ पे B8 आया हो, फिर C7 से चेक दिए। यहाँ पे दो रास्ता था, या A6 जाए या यहाँ जाए। अगर यहाँ जाता है तो अगर हम क्वीन बनाते हैं तो मेरा स्टिलमेट हो जाएगा, ये स्ट्रेटजी था ब्लैक का। तो हम यहाँ पे नाइट को बनाए और चेक दिए, तो उसके बाद दो रास्ता है, यहाँ पे या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए। अगर यहाँ जाएगा तो वो मेट हो जाएगा बिशप से, ये बिशप को यहाँ रख के चेक मेट कर देंगे, तो वो वहाँ नहीं जाकर किंग B8 पे गया। फिर हम K A6 को चेक मारे, फिर वो आया किंग B7, तो हम बिशप D7 करके यहाँ पे आए। तो यहाँ पे दो मूव है, या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए। अगर यहाँ जाएगा तो हम बिशप से चेक मेट कर देंगे, और यहाँ गया तो हम क्या किए, क्वीन से उसको चेकमेट कर दिए, क्वीन बनाए और चेकमेट कर दिए, क्योंकि इस पर कहीं चलने का जगह नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।